नाजरीन आप इस वक्त देख रहे हैं कि आजम स्वाति इस वक्त CIS सेंटर से रिहा हो चुके हैं। लोगों की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर की जानिब से फूल की पत्तियां उन पर नछावर की जा रही हैं। इस वक्त आजम स्वाति प्रेस टॉक करने के लिए जा रहे हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं नाजरीन। उनके साथ दीगर सेनेटर्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर इस वक्त सीनियर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद है। आजम स्वाति तकरीबन नाजरीन एक महीने से ज़ायद अरसा जेल में गुजारने के बाद बिल आखिर आज CIS सेंटर से इस वक्त रिहा हो चुके हैं, और इस वक्त आप इन्हें देख रहे हैं इस वक्त नाजरीन स्क्रीन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन लीडर आजम स्वाति इस वक्त आपको पाक टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। मुझे पीछे जाने दें। नाजरीन इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितने धक्कम पेल का यहाँ पर सिलसिला जारी है। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स यहाँ पर बड़ी तादाद में आजम स्वाति को वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको वो गार्ड भी नाजरीन नजर आ रहा होगा जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपना खून दिया, जिसे गिरफ्तार किया गया सालेह मोहम्मद का, ये गार्ड इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अभी भी इस तरह से आजम स्वाति को प्रोटेक्ट करने में मसरूफ है। आप इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं ये गार्ड यहाँ पर मौजूद है, आजम स्वाति भी यहाँ पर मौजूद है। दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नाजरीन बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। इस वक्त दोनों आप इस वक्त दोनों को इस वक्त देख रहे हैं, आजम स्वाति को भी। ये है नाजरीन वो गार्ड जो अभी भी आजम स्वाति को प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त नाजरीन आप देख रहे हैं आजम स्वाति तकरीबन 35 से 36 दिनों के बाद आज रिहा होकर CIS सेंटर से इस वक्त बाहर मौजूद हैं अपने कारकुनान के दरमियान, अपने लीडर्स के दरमियान। आप इस वक्त नाजरीन पाक टीवी 24 की स्क्रीन पर बराह रास्त नाजर इस वक्त देख रहे हैं सालेह मोहम्मद, जबकि दीगर वसीम शहजाद भी उनके साथ मौजूद हैं। दीगर रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति के साथ इस वक्त मौजूद हैं।